चुनावी समर में 3 दिसंबर का इंतजार सबको। कौन नए कुर्ते पैजामे में कुर्सी पर बैठे, लेकिन हम जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो खादी के लिए परेशानी भरी है। एक तो राज्य में कुर्सी का टंटा, दूसरा कुर्ते पैजामे के लिए नेताजी को दर्जी वक्त नहीं दे पा रहा है। जी हां, एमपी अजब है। ये लड़ाई तो कुर्सी की है, लेकिन त्योहारी मौसम में कुर्सी का ही टोटा है। भोपाल के न्यू मार्केट में मंजीत सिंह सालों से बॉम्बे टेंट हाउस चला रहे हैं। कहते हैं कुर्सी के लिए मध्य प्रदेश के कारोबारियों की निगाह पड़ोसी राज्यों पर है। टेंट की डिमांड जो लोग सरकारी काम करते हैं उनके पास ज़्यादा रहता है इस चीज़ का काम। कुर्सियों की काफ़ी डिमांड होती है, पंडाल रहता है, स्टेज बनता है, माइक लगता है। दाम भी जेब को चढ़ा रहे हैं। हालात ये हैं कि पहले एक दिन के लिए जो प्लास्टिक की कुर्सी 15 रुपये में मिलती थी वो 20 रुपये प्रति नग मिल रही है। VIP मेहमान का सोफा सेट 1500 रुपये से बढ़कर 2000 रुपये तक हो गया है। नेताजी कुर्सी पर बैठेंगे, उसके लिए वोटर से मिलने नए कुर्ते पैजामे में जाना होगा। कुर्सी पर बैठने की तैयारी के लिए नया कुर्ता पैजामा सिलाना होगा। लेकिन यहाँ भी वेटिंग है, खादी ज़्यादा डिमांड में है। वैसे तो अपना सूट शेरवानी का काम है, ब्याह का काम है, लेकिन अभी क्या है कि चुनाव का टाइम चल रहा है तो नेता वगैरह मंत्रियों वगैरह के बहुत कपड़े आते हैं, जैसे कुर्ता पैजामा। एक एक मंत्री नेता जो हैं वो 8-8, 10-10 कुर्ते पैजामे सिलवाते हैं। तो हमारा काम क्या होता है कि थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि इन लोगों का काम भी हमें बहुत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। प्रचार में कुर्ता पैजामा है, लेकिन शपथ में कौन सूट सिलवाएगा, कौन शेरवानी, इस पर दोनों दल बयानों के तीर चला रहे हैं। प्रदेश की बात करें तो जनसंख्या भी बढ़ रही है, आबादी भी बढ़ रही है, भौगोलिक क्षेत्र से भी प्रदेश एक मध्य प्रदेश अच्छा बड़ा राज्य माना जाता है, और निश्चित तौर पे लोकतंत्र का महापर्व है। यदि इसके अंदर बात करें तो पहले होता था कुछ चुनिंदा लोग राजनीति में होते थे, अब देखिए हर क्षेत्र की बात करें तो लोगों की संख्या बढ़े, लोगों का राजनीति के प्रति रुझान बढ़ा है, लोग बड़ी संख्या में चुनावी समर में उतरना चाहते हैं, बड़ी संख्या में राजनीतिक दल से जुड़ना चाहते हैं। तो जब बढ़ेगी तो कुर्सियां भी कम पड़ेगी और टेलर के वहां भी वेटिंग चलेगी और हर चीज़ कम पड़ेगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी राजनीति में जुड़ रही है। कांग्रेस तो बड़ा बचकाना आरोप लगा रही, कांग्रेस में तो सूट सिलवा के रखे लोगों ने, यहाँ भी वेटिंग चल रही। कांग्रेस ने तो 6-6 महीने पहले, साल साल भर पहले से सूट सिलवा के रख लेते हैं, टिकट मिलेगा और सूट पहन लेंगे। मुख्यमंत्री का सूट भी 17-17 लोगों ने सिलवा के, वहाँ कार्यकर्ता तो मिलेंगे नहीं, वहाँ तो हर कोई चुनाव लड़ने के लिए आता है, नेता बनने के लिए आता है, मंत्री बनने के लिए आता है और मुख्यमंत्री बनने के लिए आता है। मैं तो मानता हूँ कि कुर्सी के सबसे ज्यादा दावेदार अगर हमें कहीं दिखते हैं तो वो भाजपा में दिखते हैं, कि बेचारे शिवराज जी को मैं कहूँ हटाने के लिए, निपटाने के लिए मोदी जी ने अपने 6 सांसद उतार दिए, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़े नेता उतार दिए, 3 केंद्रीय मंत्री उतार दिए हैं, और पता नहीं सिंधिया जी को भी आगे उतार दें। तो मुझे लगता है वहाँ बड़ी समस्या है कि एक कुर्सी है उसके दावेदार 8 से 10 दिख रहे हैं। तो मुझे तो ये भाजपा में दिखाई देता है कि हाँ, भाजपा में 1 अनार और 100 बीमार वाली स्थिति बिल्कुल सही है। कांग्रेस में सब जो हैं वो कार्यकर्ता हैं, सब जनता के हितों के लिए काम करते हैं। सूट सिलाने का तो हमने देखा था जब इन्होंने लूट की सरकार बनाई थी, और जब देखा था उस समय सिर्फ 5 मंत्रियों का नैनो मंत्रिमंडल बना था, उस समय बेचारे कई सारे मंत्री सूट सिलवा के बैठे थे विधायक, और फिर वो सूट ढीले हो गए थे, नाप के बाहर हो गए थे, क्योंकि चिंता में बड़े दिनों बाद फिर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, फिर सिंधिया गुट के कई सारे मंत्री बना दिए, 14 मंत्री जो विधायक भी नहीं थे। 5 साल में मध्य प्रदेश में कुर्सी 2 बार इधर उधर हो गई, सूट शेरवानी 15 महीने अलमारी में चले गए। खैर, 5 साल फिर बीत गए, इंतजार कुर्सी को भी है, सूट को भी। फिलहाल मारामारी खादी की है, कुर्सी मिलने पर खादी सूट में बदलेगी, आम नेता खास हो जाएगा, उसके समर्थक ऐसे झंडे पोस्टर खरीदेंगे, जनता जहाँ थी वहीं रह जाएगी। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और मृतांशी जोशी के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।